Brilliant. Ash. How are you? Good, man. How are you, man? Keep rolling. Rolling the lines. Rolling. Rolling. Ash. Rolling. तो बहुत शॉक हो रहा है इस दिन जब तो हमें उठते हुए आ रहे हैं
हां वो उसी टाइम पे मास्टर के साथ तो हम और ना वहां तो जाते थे ना वो तभी मैं छोड़ आ गया और आने में कुछ ठीक है ब्रोलिंग ब्रोलिंग आज प्लीज अभी आ जाइए तब सुबह ही प्लीज क्या नाम बताया था आपने अपना रमन भल्ला रमन भल्ला शायद आपके लिए कोई रिजल्ट एक मिनट क्या नाम बताया था आपने अपना रमन भल्ला आपके लिए कोई लेटर छोड़ती गया आधा घंटा पहले ठीक है शायद आप इसे ढूंढ रही है उसी का लेटर होगा इंस्पेक्टर साहब इन्होंने और कुछ बताया कोई और मैसेज एक्चुअली उनका ड्राइवर है वो हमारे ड्राइवर को ये लेके चला गया उनका तो आपको देने के लिए थैंक यू फॉर एब्सोल्युटली फीवर फुल ऑन चढ़ा हुआ है 104 का नहीं 114 का बुखार चढ़ा है मुझ पर और बहुत बहुत मज़ा आया कल सलमान के साथ में शूट करके आई टोल्ड हिम स्ट्रेट आई एम सॉरी आई एम नॉट कॉलिंग यू सलमान भाई कहते हाँ हाँ तो मुझे भाई मत बोलो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं अचानक से फ़ैन बन गई हूँ सो आई एम इन्जॉइंग द फीवर तो अभी जो सीक्वेंस हमने देखा आप लोग आप और अमन दोनों शगुन को ढूंढ रहे हैं ऐसा क्या हो गया कि शगुन को ढूंढने की नौबत आ गई शगुन बेसिकली रमन को यहाँ मिली थी कोई रेड पड़ी थी एंटी प्रोस्टिट्यूशन रेड एंड उसमें शगुन को रमन ने देखा है एंड ही गॉट रियली टेरिफाइड कि शगुन ये सब काम कैसे सो इसीलिए मैं और रमन दोनों आए हैं पुलिस स्टेशन एंड शगुन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं बट हमें उसके बारे में कहीं कुछ नहीं पता चल पा रहा है जहाँ भी पूछ रहे हैं कि शगुन भल्ला या शगुन अरोरा उसका नाम कहीं रजिस्टर्ड नहीं है सो वी आर रियली टेंस तो अब क्या आने वाला है क्या माफ़ अभी माफ़ करने वाली तो बात ही नहीं है मतलब उसने जो भी कर रही है पता नहीं किस राह पे चल रही है हम नहीं चाहते कि वो कुछ भी गलत काम करे क्योंकि आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं हम लोगों से एसोसिएटेड एंड बीइंग ह्यूमन आल्सो लाइक हम नहीं चाहते हैं कि कभी भी वो गलत रास्ते पे चले सो वी आर देयर टू हेल्प हर आउट देखते हैं नहीं तो पुलिस स्टेशन से तो आप लोगों को कुछ हेल्प नहीं मिलती है दिखाई दे रही है तो आगे अब आप तक कौन सा कदम उठाते रहेंगे मुझे आगे एक ही चीज़ साफ नज़र आ रही है कि रोमांस हमारा दूर हो गया है रफू चक्कर हो गया है जिस रोमांस के लिए मैं यहाँ आई थी सो डेफिनेटली हम लोग के अंदर का जग्गा जासूस मोड दोबारा से चालू हो गया है लेट्स सी कैसी चीज़ें शेप आउट होती हैं और आफ्टर ऑल यू नो सारे के सारे प्रूफ्स तो ईशिता भल्ला के हाथ में आके गिरते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा I don't know. अरे भाई काफ़ी अच्छी लग रही है आज आप ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कुछ नया लुक है ये या ये एक्चुअली मैंने कैटलॉग शूट किया था रिदम साड़ीज का सो आई गॉट दिस साड़ी एज अ गिफ्ट तो मैंने सोचा चलो आज मैं पर्सनल साड़ी पहनती हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम बैक टू द साड़ी मोड मैं बहुत मिस कर रही थी साड़ीज मेरे फैंस मिस कर रहे थे साड़ीज मुझे मैसेजेस आ रहे थे उनके फ्रांटिक किया प्लीज़ साड़ी वापस पहनो बिकॉज क्या होता है कुछ भी नया आप करो ना तो अच्छा लगता है जब मैंने अचानक सूट पहनना चालू किया था सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा था नाउ दे वॉन्टेड मी इन साड़ीज सो आई थॉट ऑफ कमिंग बैक इन साड़ीज विद माई ओन साड़ी यू नो यानी बेसिकली आप अपना लुक बेसिकली आपको अपना कैरेक्टर पता होना चाहिए मी बींग एन आर्टिस्ट मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है ईशिता भल्ला को किस डिग्री तक क्या क्या अलाउड है आई नो इट सो आई कैन ऑलवेज यू नो वर्क अराउंड माई लुक्स अलाउड है